कबीर ने सती के ऊपर कई दोहे कहे हैं। किस सती की बात कर रहे हैं? सती शब्द का जो मूल है वो सत ही है। सत माने क्या? हाँ, वो जो है, वो जो वास्तव में है, वो जो वास्तव में है। कबीर जब सती कहते हैं, साफ साफ समझना होगा, पहली बात तो वो किसी लिंग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। कबीर जब सती कहते हैं तो उसका आशय स्त्रियों से नहीं है। सती की, पतिव्रता की खूब बातें करी हैं, पतिव्रता मैली भली। सती पर एक कबीर का है, बहुत प्यारा सा है, कि सती ध्यानी तप किया, सुंदर सेज सजाए, सो रही संग पिया अपने, चहुदेसी अगन लगाए। अब जिस तरीके से लिखा गया है, जो इसमें चित्र उभरता है, वो करीब करीब वही हमारी सती प्रथा जैसा है कि सो रही संग पिया अपने, चहुदेसी अगन लगाए। लेकिन कबीर का आशय निश्चित रूप से यहाँ पर व्यक्तिवाचक नहीं है, व्यक्तियों की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो भी कोई सत से जुड़ा हुआ है वही सती है, उसी को कबीर पतिव्रता भी कहते हैं। जो भी कोई सत से जुड़ा हुआ है वही सती है। जब कबीर कह रहे हैं कि सती अपने पिया के साथ सो रहती है चारों दिशाओं में आग लगा के, तो उनका अर्थ ये नहीं है कि मरे हुए पति के साथ वो चिता में जल जाती है। सुनने में ऐसा लग सकता है। कबीर का जब जैसे कबीर हैं वैसे ही उनके शब्द हैं। चहुदेसी अगन लगाए, संसार को छोड़ करके, संसार में आग लगा करके, संसार से उसका कोई लेना ही देना नहीं है। और अपने पति के साथ सो रहती है, कौन पति? तो सीधी सी बात है, वो अपने पति जो उस परम के साथ है, और जिसने संसार का जो पूरा भ्रम है उसमें आग लगा दी है, सो सती है। जो परम के साथ है और जिसने संसार में आग लगा दी है। संसार माने क्या? संसार माने ये नहीं कि जंगल पहाड़ घर में आग लगा दी है। संसार में आग लगाने से अर्थ है भ्रम में आग लगा देना, बंधनों में आग लगा देना। जो भ्रमों से और बंधनों से मुक्त हो गया है सो सती है। देखिए, कबीर हो चाहे कोई भी संत हो, उनको बड़े निर्मल मन से ही पढ़ा जा सकता है, नहीं तो बड़ा आसान होगा अर्थ का अनर्थ कर देना और आक्षेप भी लगा देना। क्योंकि आपको जगहें मिल जाएंगी जहां पर कबीर आपको बड़े स्त्री निंदक लगेंगे, ये कैसी बातें कर रहे हैं। उनकी साखी में
एक हिस्सा ही है पूरा कनक कामिनी को अंग। कितने ही मौके पे उन्होंने बोला है कि स्त्री से बचो, स्त्री से बचो। आपको ऐसा भ्रम हो सकता है कि क्या कह रहे हैं कबीर, लेकिन कबीर कबीर हैं। ऐसा तो नहीं है कि जब वो स्त्री पर बोल रहे हैं तो उनकी सारी समझदारी विलुप्त हो गई है। जब कबीर कह रहे हैं कि तिरिया से बचो, तो कबीर का आशय इतना ही है कि प्रकृति से बचो। वो आपके भीतर के पुरुष को, और हम सबके भीतर पुरुष है और प्रकृति भी है, वो आपके भीतर के पुरुष को सावधान कर रहे हैं कि आसक्त मत हो जाना प्रकृति से। वो स्त्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो प्रकृति की बात कर रहे हैं। कबीर जो कह रहे हैं उसका ये अर्थ भी ना लिया जाए कि चूंकि कबीर की सभा में पुरुष ही ज्यादा आते थे तो इसीलिए कबीर ने उन्हें सावधान करते हुए स्त्रियों की बात करी है। नहीं, ऐसा भी नहीं है। संत जो कहता है वो कभी किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं होता। कबीर ने जो कहा है वो जितना पुरुषों के लिए है उतना ही स्त्रियों के लिए भी है, पर आंख खोल के पढ़ना पड़ेगा कबीर को, बड़ी सावधानी से, बड़े समर्पण के साथ, नहीं तो उंगली उठाना बहुत आसान हो जाएगा। आप उद्धृत कर सकते हैं कबीर को और बिल्कुल कह सकते हैं कि कबीर जातिवादी भी थे, कबीर लिंग के आधार पर खूब भेद करते थे, जो व्यक्ति वैसा होगा वो सब कह पाएगा जो कबीर ने कहा। और यदि हमको आपको दिख रहा है कि ऐसा कहना बड़ा फिजूल है तो क्या कबीर को ना दिखता होगा? जब कबीर कनक और कामिनी को एक साथ रख रहे हैं तो राज वहीं खुल जाना चाहिए। कनक क्या? जो इंद्रियों को आकर्षित करे। कामिनी क्या? जो कामना को उद्दीप्त करे। बस एक, तो उसी अर्थ में लीजिए कामिनी को। जो कुछ भी कामनाएं बढ़ाए सो कामिनी। औरत को कामिनी नहीं कह रहे हैं वो। कनक क्या? सोना। जो मन में लालच बढ़ाए सो कनक, जो मन में कामना बढ़ाए सो कामिनी। औरत भर की बात नहीं कर रहे हैं। आप किसी मकान को, किसी कार को देख करके ललचा जाते हैं तो कामिनी है आपके लिए, ठीक। कबीर उसकी बात कर रहे हैं। हुँ?